नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना सिन्हा और स्वागत है आपका किचन में। दोस्तों, आज किचन में हम बनाएंगे सोयाबीन पुलाव। जी हाँ, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सोयाबीन पुलाव बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 60 ग्राम सोयाबीन बड़ी। इसे मैंने 10 मिनट गर्म पानी में फूलने को रख दिया था। और ये 3 मीडियम साइज के प्याज हैं जिसे कट कर लिया है। 1 कटोरी मटर के दाने हैं और थोड़ी सी अदरक है जो कि ग्रेट की हुई है। थोड़े से मसाले हैं, जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर। ये हम मसाले ऐड करेंगे। ये चाट मसाला, गरम मसाला और थोड़े से खड़े मसाले हैं। इसमें मैंने लिया है 1/2 चम्मच जीरा, 2 छोटी इलायची, 1 छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, 3-4 लौंग, 2 लाल मिर्च और थोड़ी सी काली मिर्च। ये सब मसाले हम ऐड करेंगे। सबसे पहले कढ़ाई को गैस पर हम गर्म होने को रख देते हैं और अब इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। सबसे पहले हम प्याज को फ्राई करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ रिफाइंड तेल यूज कर रही हूँ। इसमें मैं 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ क्योंकि प्याज को हमें अच्छा फ्राई करना है। और अब इसमें हम कटे हुए प्याज डाल देंगे और इसे अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। दोस्तों, अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगी। तो ये प्याज को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इसमें 5-7 मिनट का समय लगेगा दोस्तों। इसे हम लगातार चलाते हुए फ्राई करेंगे। अगर हम इसे छोड़ देंगे तो ये एक तरफ से जल जाएगा, इसलिए हम इसे लगातार चलाते हुए फ्राई करेंगे। फ्लेम को हम हाई ही रखेंगे। 5-7 मिनट में ही ये देखिए कितना अच्छा तरह से ये भून चुका है और एकदम से खूब अच्छा कलर इसका आ गया है। अब हम इसे एकदम से साइड कर देंगे जिससे कि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो प्याज में से निकल करके कढ़ाई में आ जाए। इसे थोड़ी देर निथरने देंगे और अब इसे निकाल लेंगे। और अब इसी कढ़ाई में हम सोयाबीन बड़ियों को डाल करके थोड़ी देर फ्राई करेंगे जिससे कि ये थोड़ा सा भुन जाए। ये 2-3 मिनट में ही भुन जाएगा दोस्तों। ये देखिए अच्छा कलर इसका आ गया है और अब हम इसे निकाल लेंगे। अब कढ़ाई में हम फिर से 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे और इसमें मसालों को भुनेंगे। इसे गर्म होने देते हैं और अब इसमें 1 बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करके और इसे थोड़ी देर भुनेंगे। इसे हल्का सा ही रोस्ट करना है और अब इसमें हम जो ग्रेट किए हुए अदरक हैं वो इसमें ऐड कर देंगे और इसे हल्का सा भून लेंगे। अब यहाँ इसमें हम लहसुन पेस्ट ऐड करेंगे। यहाँ मैं 1 चम्मच लहसुन ऐड कर रही हूँ। इसे भी थोड़ी देर भून लेंगे जिससे कि इसका कच्चापन निकल जाए। और अब इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। यहाँ मैं 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। और मसाले हमारे अच्छी तरह से भून जाए इसके लिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और भुनने में आसानी हो। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से भुनेंगे जब तक कि मसालों से तेल अलग ना हो जाए। ये देखिए मसाले हमारे अच्छी तरह से भुन गए हैं और यहाँ अब मैं 1 चम्मच गरम मसाला और बड़ियों को डाल करके इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आती हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दिया कीजिए। बढ़िया, हमारी अच्छी तरह से भुन गई हैं और चलिए अब पुलाव की तैयारी करते हैं। सबसे पहले गैस पर कुकर को रखेंगे और इसे गर्म होने देंगे।
अब इसमें मैं देसी घी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि पुलाव बन रहा है तो थोड़ा सा देसी घी का टेस्ट अच्छा लगता है। यहाँ मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 चम्मच ही घी ऐड कर रही हूँ, और इसमें जो हमने खड़े मसाले निकाल के रखे थे वो अब ऐड कर देंगे और इसे चटकने देंगे। बस हल्का सा ये रोस्ट हो जाए, और अब इसमें हम मटर डाल देंगे। यहाँ मैं फ्रोजन मटर ले रही हूँ दोस्तों, आप ताज़े मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे और इसमें बाकी का बचा अदरक जो है, जो हमने ग्रेट करके रखा था, वो ऐड कर देंगे। और अब इसमें हम चावल डालेंगे। ये 1/2 kg बासमती चावल है दोस्तों, जिसे मैंने आधा घंटा अच्छे से वॉश करके फूलने के लिए रख दिया था। चावलों को फुलाना ज़रूरी होता है, जिससे कि पुलाव अच्छा बनता है। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे 2-3 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे। यहाँ हम इसमें अब 1 चम्मच चाट मसाला इस्तेमाल करेंगे, जिससे थोड़ा सा फ्लेवर इसका और भी एनहेंस हो जाएगा, और इसे मिक्स कर लेंगे। इसे थोड़ा सा रिच बनाने के लिए हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, थोड़े से काजू और थोड़ी सी किशमिश। इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमारे चावल अच्छी तरह से भून चुके हैं, अलग अलग से दिख रहे हैं ना। और अब यहाँ पे हम बड़ियों को ऐड कर देंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब यहाँ हम थोड़ा सा गरम मसाला और ऐड करेंगे। अब इसमें नमक डालेंगे, क्योंकि बड़ियों में हमने पहले से नमक डाल रखा है, तो हम चावल के हिसाब से इसमें नमक ऐड करेंगे। मैं यहाँ 1 से 1.25 चम्मच के करीब नमक डाल रही हूँ, आप अपने स्वादानुसार ऐड कर लेना। और अब इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। यहाँ मैं 3 कटोरी के करीब पानी ऐड कर रही हूँ दोस्तों, क्योंकि चावल हमने इसी कटोरी से मापा था, वो 1.5 कटोरी था, तो उसका डबल पानी हम ऐड करेंगे। और अब कुकर का ढक्कन लगाकर तेज आंच पर इसे 1 सीटी आने तक हम पकाएंगे, और उसके बाद गैस को बंद कर देंगे। अब ये कुकर हमारा ठंडा हो चुका है, तो चलिए चेक करते हैं। ये देखिए, वाह, कितना सुंदर कलर इसका निखर के आया है ना। और हमने जो प्याज फ्राई करके रखा था, उससे अब इसे गार्निश कर देंगे। तो चलिए अब खाने की तैयारी। प्रोटीन से भरपूर हमारी ये स्वादिष्ट रेसिपी बनकर तैयार है, तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं और इसे एंजॉय करते हैं। दोस्तों, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ इसी किचन में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए दोस्तों। धन्यवाद।